हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, इस पर्टिकुलर वीडियो में आज हम इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा जो एआरओ का एग्जाम कंडक्ट कराया जा रहा है, इस एग्जाम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और ये क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 27 नवंबर 2018 को कौन देश के 23वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त हुए हैं? ठीक है, तो पहली बात आपको याद रख लेना है कि ये 23वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त हुए हैं और ये हैं सुनील अरोड़ा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ये हैं सुनील अरोड़ा। डेट याद रखिएगा 27 नवंबर। नेक्स्ट है, नवंबर 2018 में केंद्र सरकार ने किसे भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो ये हैं जलज श्रीवास्तव को। देखिए, आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय जल मार्ग के ये जो अध्यक्ष है, तो जल मार्ग और जलज, इनकेस अगर आपको नाम नहीं याद होता है तो। नवंबर 2018 में किसने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण किया है? तो ये हैं न्यायमूर्ति गोविंद माथुर। अगला क्वेश्चन है, 26 नवंबर 2018 को केंद्र सरकार ने नए प्रत्यक्ष कर कानून का मसौदा तैयार करने हेतु किसे कार्यबल का नया संयोजक नियुक्त किया है? तो ये हैं केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के सदस्य अखिलेश रंजन। क्वेश्चन है, नवंबर 2018 में हिमांशु जोशी का निधन हो गया, वो कौन थे? ये थे प्रसिद्ध साहित्यकार। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नवंबर 2018 में उस्ताद इमरत खान का निधन हो गया, वो कौन थे? तो ये थे प्रसिद्ध सितार एवं सुरबहार वादक। अगला क्वेश्चन है, 27 नवंबर 2018 को मशहूर गायक मोहम्मद अजीज का निधन हो गया, उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था पश्चिम बंगाल, जिसकी राजधानी है कोलकाता। उनके इनकी सीएम का नाम है ममता बनर्जी। क्वेश्चन है, जून 2018 में महाराष्ट्र की किस फसल को जीआई टैग यानी कि भौगोलिक संकेतन प्राप्त हुआ है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अब तक का, तो ये है सांगली हल्दी। हांगकांग की कंपनी द्वारा विकसित मानव सदृश रोबोट सोफिया पर आधारित रांची जिले के रंजीत श्रीवास्तव द्वारा विकसित भारतीय संस्करण रोबोट का नाम क्या है? तो ये है रश्मि। पहली बात तो आपको याद कर लेना है कि हांगकांग कंपनी ने सोफिया रोबोट को बनाया था और जो भारत में इसका हुआ है ये है रश्मि, इसको बनाया है रंजीत श्रीवास्तव जो कि रांची जिले के हैं। क्वेश्चन है, नवंबर 2017 में किस देश ने विश्व का पहला पूर्णतः विद्युत संचालित मालवाहक जहाज लॉन्च किया है? तो ये है चीन, यहाँ की राजधानी है बीजिंग, यहाँ का सबसे बड़ी सिटी है शंघाई और यहाँ के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग जो कि दुनिया के सबसे पावरफुल इंसान हैं और पॉपुलेशन की दृष्टि से चाइना नंबर 1 पर है और इनकी इकोनॉमी बहुत ही ग्रोथ कर रही है। इतनी चीज़ें आपको याद कर लेनी है। क्वेश्चन है, 30 नवंबर से 1 दिसंबर 2018 के मध्य 13वें G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो ये किया गया था अर्जेंटीना में, इसकी राजधानी है ब्यूनस आयर्स और इनके प्रेसिडेंट भारत की यात्रा पर भी हैं। 13वें G20 शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो ये किया भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। 14वें G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो ये किया जाएगा वर्ष 2019 में ओसाका जो कि जापान में है, टोक्यो है जापान की राजधानी। नवंबर 2018 में संयुक्त राष्ट्र ने उत्तर प्रदेश के किन शहरों को अपने वैश्विक सतत विकासशील शहर 2025 पहल के लिए चुना है? तो ये है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोएडा और ग्रेटर नोएडा। क्वेश्चन है, 25 दिसंबर 2017 को भारत की पहली वातानुकूलित EMU उपनगरीय ट्रेन प्रायोगिक तौर पर किन स्टेशनों के बीच चली? तो ये है चर्च गेट से बोरीवली के बीच, क्योंकि ये भारत की पहली वातानुकूलित EMU है तो अपने आप में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित 3 तलाक संबंधी विधेयक के मसौदे पर सहमति प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? तो ये है उत्तर प्रदेश। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आ सकता है। देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, सेलेक्टेड क्वेश्चन थे जिसको मैंने इंक्लूड किया है और जब तक एग्जाम आपका हो नहीं जाएगा तब तक ये करंट अफेयर के वीडियोस डेली आपको प्रोवाइड होंगे, स्पेशली ये होंगे एआरओ एग्जाम के लिए। तो वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू।